que a profissão das mina é... सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करूंगा आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस टाइप की वीडियो अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है और साथ साथ इसको बनाना भी काफ़ी ज़्यादा इजी है बिकॉज आप लोग मुझे फॉलो करते हो, और अगर नहीं करते तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दो ताकि ऐसी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सो गाइस, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जितने भी इस वीडियो में यूज़ किए मटेरियल के लिंक है वो सारे ही आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से सिंपली उनको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ साथ इसका XML फाइल और प्रीसेट लिंक दोनों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो जैसे आप अपने XML फाइल या प्रीसेट को इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, तो कुछ इस तरीके का आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरीके को देखने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है कि स्टार्टिंग में आना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली एक वीडियो यहाँ पे ऐड करनी है, जिसके वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की वीडियो देखने को मिलेगी आपको, देख सकते हैं कुछ इस तरीके देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको पकड़ के नीचे ले आना है, कुछ नीचे तक, लाइक थोड़ा सा और टेक्स्ट के बाद, तो यहाँ तक आपको ले आना है। ठीक है, वैसे एक टेक्स्ट के ऊपर रखना है आपको उसको। ठीक, इतना होने के बाद सिंपली आपको करना है कि वापस से प्लस पे टैप करना है, मीडिया पे जाना है। मीडिया पे आने के बाद यहाँ पे आपको अपनी फोटो या वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है। तो लाइक अभी के लिए हम ये वाली फोटो सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ से मूव एंड ट्रांसफर हो जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं एंड यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, इतना होने के बाद वापस से इसको भी पकड़ के नीचे ले आना है आपको, और इसको वहीं लाना है जो वीडियो आपने डाली है उसके नीचे रखना है इसको। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान जरूर से रखना। एंड गाइज, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना यार, इतना तो आप कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ ऐड हो चुका है, तो देख सकते हैं सिंपली ये थोड़ी सी वीडियो छोटी है, तो इसको हम यहाँ से बड़ा करके मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि इसके एजेस ना दिखे हमें। इतना होने को सिंपली इस फोटो को आपको टैप करना है एंड बिल्कुल यहाँ जो आपको दो बीट मार्क दिख रहे हैं यहाँ पे आना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद फोटो को आपको यहाँ से खींच लेना है। ठीक है, फोटो को इतना खींचने के बाद सिंपली आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो देख सकते हैं अभी आपको फोटो देखने को नहीं मिल रही होगी। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि इस वीडियो पे आपको टैप करना है, इफेक्ट पे जाना है, ऐड इफेक्ट पे जाना है, यहाँ से क्रोमा की आपको जो देखने को मिलेगा उसको टैप को सिंपली टैप करना है एंड स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेट कर देना है। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ जो कलर देखने को मिलेगा इस कलर पे आपको टैप करके यहाँ पे सिंपली व्हाइट कलर को आपको सिलेक्ट कर लेना। व्हाइट कलर सिलेक्ट करते ही जितने भी व्हाइट कलर के होंगे वो सारे के सारे हट जाएंगे एंड कुछ इस तरीके का आपको ये इफेक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, इतना होने के बाद सिंपली आप जैसे ही आगे आएंगे तो आपको ये फोन्स देखने को मिलेंगे। इन फोन्स पे आपको करना क्या है, सिंपली जैसे आप इस फोन पे आप टैप करते हैं, ठीक है, एडिट टेक्स्ट पे जाते हैं, एडिट टेक्स्ट पे जाते ही सिंपली आपको देख सकते हैं यहाँ पे ये फोन आपको देखने को मिलेगा। इस फोन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड करके यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट करने के बाद सिंपली इस वाले फोन को सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ से राइट पर डन कर देना है। राइट पर डन करने के बाद देख सकते हैं आपका फोन बिल्कुल वही सिलेक्ट हो जाओ जो यहाँ पे पहले से सिलेक्टेड था। तो इतना होने के बाद बिल्कुल लास्ट तक यहाँ तक सेम आपको यही प्रोसीजर करना है, कोई दूसरा प्रोसीजर आपको नहीं करना है। इतना होने के बाद सिंपली जैसे आप आगे आते हैं तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपकी जितनी भी फोटोज़ होंगी वो सारी 19:16 रेशो में होनी चाहिए, ना उससे कम ना से ज्यादा, उसी फोटो में रहनी चाहिए ताकि आपकी जो वीडियो बने वो काफी एक्यूरेट और अच्छे से बने। ठीक है, तो इसके लिए आप सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ फोटो पे आपको टैप करना है, कलर फिल पे जाना है, नो मीडिया पे जाना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली आपको अपनी फोटो को यहाँ सिलेक्ट करके प्लस पे टैप कर देना है। टेस्ट इतना होने के बाद देख सकते हैं आपकी फोटो बिल्कुल ऐड हो चुकी है विद इफेक्ट के साथ। इसी तरीके से बिल्कुल लास्ट तक आपको सेम यही प्रोसीजर करना है, फोटो पे आपको टैप करना है, करंट फिल पे जाना है, नो मीडिया पे जाना है एंड यहाँ से आपको अपनी एक फोटो को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे प्लस पे टैप कर देना है। इतना होने के बाद आपका ये सिंपली हो जाएगा बनकर तैयार। इतना होने के बाद सिंपली ऑडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे ऐड कर देना है ऑडियो को, ऑडियो को डाउनलोड करने के बाद सिंपली आपकी वीडियो हो जाएगी बनकर तैयार। उसके बाद सिंपली आपको अपनी वीडियो को कर लेना है एक्सपोर्ट। सो होपफुली गाइस वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक दे देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्ट्रांग एंड बाय बाय गाइस।